नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जांजगीर दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए टीएस सिंहदेव कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जब आगे बढ़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम देवेंद्र पटेल के समक्ष आईपीसी की धारा 151 और 107 में 614 कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी की गई। पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजीव पचौरी छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या है घटना? रमन सिंह का दौरा है आज छत्तीसगढ़ में। जी, आज बता दूं आपको कि जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है जी। वहाँ पे आम सभा है और वहाँ पे मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं जी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं पर बिलासपुर लाठीचार्ज हुआ था, कांग्रेस कार्यालय में घुस के जो लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेसी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इसी तारतम्य में भूपेश बघेल ने भी गिरफ्तारी दी है। इधर बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव बाबा के साथ भी लगभग 500-600 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। वो जांजगीर चांपा जा रहे थे, जहां रास्ते में रोक लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है जी। आम सभा के साथ साथ नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ में दौरा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का काफी विकराल रूप देखने को मिल रहा है। टीएस सिंहदेव की तैयारी कैसी थी? काले झंडे दिखा पाए कि नहीं? दरअसल में कांग्रेस पार्टी पे जो बताया था आपको मैंने कि जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में घुसकर बिलासपुर में लाठीचार्ज किया था, हालांकि उस समय भी कांग्रेस पार्टी के लोगों की गलती थी। वो कचरा फेंक रहे थे एक मंत्री घर में जाके बाहर। हाल उसी घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध करना चाहा था। पहले घोषणा की हुई थी कि वो काले झंडे दिखाएंगे और काले झंडे के दिखाने के प्रयास में आज लगभग पूरे प्रदेश में 2.5 से 3 हजार कांग्रेसियों की गिरफ्तारी की गई है जी। शुक्रिया संजीव। बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा के समक्ष दो इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों नक्सलियों पर पुलिस के खिलाफ मुठभेड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। नक्सलियों ने आईजी विवेकानंद सिन्हा को बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब है कि गुरुवार को महिला नक्सली मानको दुग्गा उर्फ देवकी और लच्छू मरकाम उर्फ कमलेश ने भी आत्मसमर्पण किया। मानको पनीडोवेर एलओएस की सदस्य थी और उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी था। वहीं लच्छू मरकाम सीतापुर एलजीएस कमांडर था और उस पर 5,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। छिंदवाड़ा से भोपाल जाते समय शिवराज सिंह चौहान प्रभात झा पिपरिया के रेस्ट हाउस में देर रात पहुंचे। शिवराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। होशंगाबाद बावई पुलिस थाने से खड़ा जब्त ट्रक चोरी हो गया है। चपला सर रेत खदान से अवैध परिवहन करते पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया था जो अब चोरी हो चुका है। चोरी होने के बाद अब पुलिस ने चोरी की एफआईआर उसी थाने में दर्ज की है। जी हां, जिस पुलिस के भरोसे जनता को बेफिक्र होना चाहिए था, उसी पुलिस के थाने से एक ट्रक चोरी हो गया है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय के मुंशी प्रेमचंद्र छात्रावास के छात्रों ने गणेश भगवान की बड़ी मनमोहक झांकी सजाई। गणेश की मूर्ति के साथ बाबा बर्फानी, राधे कृष्ण और भगवान शंकर की मूर्ति भी लगाई गई। इसके साथ ही दीवारों पर भी छात्रों ने गणेश भगवान के मनमोहक चित्रों के रे झांकी को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं भोपाल के रोशनपुरा में भी गणेश उत्सव पर महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में छात्रावास के अलावा अन्य श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमने आज अपनी गणेश चतुर्थी की जो झांकी है, आज हमने उसको प्रस्तुत की है पूरे सब लोगों के सामने। हमने एंट्रेंस इस तरह के पूरा डिजाइन किया हुआ है कि नीचे पूरा आपको एक राजशाही का आपको एक एक्सपीरियंस हो, और फिर अंदर गुफा में एंटर करते हुए माता वैष्णो देवी जी के भी दर्शन हमने करवाए हैं। और फिर हमारे रिलेटेड पढ़ाई से लिखाई से चीज़ें या फिर जिसके दिमाग में जो भी कोई भी आइडियाज़ आते हैं उसको हम एक वॉल के ऊपर हमने लिखवाया है सबसे। अब चलते चलते एक नज़र अद्भुत राजनीतिक वीडियो पर जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की खासियत है कि इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता और मंच पर खड़े पदाधिकारी झूमते नजर आ रहे हैं। वहीं गाने में शिवराज की महिमा का बखान किया जा रहा है। कि इलेक्शन का जो हमारा थीम सॉन्ग है उसकी सीडी आदरणीय राहुल गांधी जी रिलीज करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जैसे ही ये थीम सॉन्ग शुरू होगा आप खड़े होके अपना समर्थन उस सॉन्ग को देंगे। है हुंकारा, है हुंकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा। है हुंकारा, है हुंकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा।
का जय जयकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा। दखल न्यूज में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में।